जबरदस्ती मेरी पैकिंग कर दी इसने जबरदस्ती। ये क्यों लड़ने के लिए होती है फेमस? मिक्स हुए पड़े मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भाई 12:15 बज चुके हैं और हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मैं और इधर किरण। तो भाई आज हम मनाने जा रहे हैं ससुराल डे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ससुराल डे मनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, मनाना पड़ता है। जिस तरह ईद मनानी पड़ती है, ससुराल डे भी साथ में मनाना पड़ता है। वैसे भी इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया था, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। नेक्स्ट टाइम ईद पे गए थे वो भी हम, मतलब इस टाइम पहुँचे थे, 2-3 घंटे रुके थे और शाम को वापस आ गए। हाँ शायद। और वैसे किरण जो है पेपर के बहाने जाती रही है, लेकिन जाहिर है उन दिनों भी पेपर्स की टेंशन होती है, तो बंदा जो मैके में जाके एंजॉय करना होता है ना, वो नहीं कर सकता। वो तो नहीं गिने जा सकते ना, मतलब क्यों? मैं जाती थी सुबह टाइम, मतलब यहाँ से जाती थी, मतलब यहाँ से डायरेक्ट बाबा मुझे लेते थे और मुझे कॉलेज छोड़ते थे और पेपर दे के मैं वापस घर आ जाती थी। चलो जी, तो मायके तो जाती नहीं थी ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो अभी हमने भाई ये ड्रेसिंग व्हाइट शलवार कमीज दिखाओ ना यार, ये चेक करे। मेरे साथ रह रहा है कि ना रूप आता जा रहा है आपको। रूप आता जा रहा है? हाँ। कौन सा खौफनाक रूप या खूबसूरती वाला रूप आता जा रहा है। और इधर ये किरण की ड्रेसिंग। तो ये हमारी ईद के दूसरे दिन की ड्रेसिंग थी। पहले हमने नए कपड़े पहने थे, अब मेरे पुराने हैं, लेकिन किरण के नए। आपके पुराने तो नहीं है, आपने सिर्फ 1-2 दफा पहना हुआ सूट थे तो पिछले साल के ना। चले भाई, ये हमने कुछ सामान भी लिया है। इस दफा हमारा प्लान है कि हम दोनों वहाँ पे कोई 1-8 दिन जो है ना रुकेंगे। प्लान है, हो सकता है शाम तक हम थक के वापस भी आ जाए। ऐसा नहीं होता, होता सारा मैंने पैकिंग कर ली, रुकेंगे हम। जबरदस्ती मेरी पैकिंग कर दी इसने जबरदस्ती। ये किसने सूट निकलवाया? मतलब ना जिद के आगे मैंने घुटने टेक दिए, मैंने कहा चलो ठीक है यार पैक कर ही दो। अभी मम्मा पापा को नहीं पता कि हमने आना है, मैंने उन्हें नहीं बताया। वो क्यों? क्योंकि हमारा कल प्लान था कि हमने जाना है। सुबह हम उठे, इनकी तबीयत खराब हो गई, वो गोश्त ज्यादा खा लिया ना तो मोशन लग गए। और तबीयत यार बड़ी अजीब सी खराब थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता ऐसी तबीयत। तो वो मतलब इनकी तबीयत खराब हो गई, फिर बाद में मैंने मम्मा को मना कर दिया यार मेरी वो थक्की और छिलका वो यहाँ से उठा लेंगे, थक्की मिल जाएगी। अच्छा तो ना मैंने फिर मम्मा को कॉल कर दी कि हम नहीं आ रहे। वो आके से नाराज हुई, मैंने कहा उनकी तबीयत खराब है तो हम नहीं आते। मम्मा ने कहा चलना ठीक है, मेरी तरफ से पूछ लेना, मेरा प्लान हो गया कैंसिल। और ये बाद में उठे आराम से और कपड़े इस्त्री करके ना पहन के आ गए। मैं पूछ रही हूँ किधर, और कहते कि तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर ये क्योंकि भाई इसका मूड बन गया था, इसका मूड बना हुआ था और ये फिर मुंह लटका के फिर रही थी। मैंने कहा ना गया ना तो इसका दिन सारा बुरा ही गुजरना। क्यों? जब मुझे तुम्हारा दिन बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं, मतलब आपका अपना दिल नहीं है, है ना? दिल तो है, अब क्या कह सकते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। समझ रहे हैं, खुद तैयार हुए, मुझे कह रहे थे कि ठीक है तुम ना जाओ, तुम चाहती नहीं हो कि मैं जाऊँ, ना जाओ मैं तो जा रहा हूँ। लड़ लो यार, ये क्यों लड़ने के लिए होती है फेमस? लड़ नहीं रही, हर चीज पे लड़ना, हर बात पे लड़ना, बहाना ढूंढ ढूंढ के लड़ना, ना लड़ो तो उल्टा लड़ती है। मैं आपको याद करवा रही हूँ ना कि मतलब आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी से और अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। ओके डन, सामान उठाओ चलें। चलिए जी, हमारा सफर जो है वो शुरू हो चुका है, बल्कि आधे से ज्यादा तकरीबन हो चुका है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये तकरीबन 2-2.5 माह बाद मेरे साथ जा रहे हैं। पहले दरमियान से एक दफ़ा वो आपको याद होगा कि हमने वो ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि ये मतलब मुझे छोड़ने जाएंगे, लेकिन हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया, इन्हें कोई काम था। उसके बाद फिर मैं मतलब जाती रही और ये मेरे साथ नहीं गए, और अब फिर ये मेरे साथ जा रहे हैं। हाँ, और नाम तो ये लगा रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती लेके जा रही है, लेकिन ये अपनी मर्जी से खुशी से तैयार हुए थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जब इन्होंने कहा ना, मैंने कहा कि नहीं, मैंने मम्मा मना कर दिया है कि हम नहीं आ रहे, तो इन्होंने आगे से कहा कि ठीक है तुम ना जाओ। इसका मुंह लटका हुआ देखते ना तो आप लोगों को भी तरस आ जाना था, आप लोगों ने कहा था जा सदाकत जा ले जा। इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि ना मतलब नहीं है, तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो तैयार हो गया, मैं तो जाऊंगा। तो मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई इनकी इस बात से कि अच्छा इन्हें है कि मुझे भी जाना चाहिए। और फाइनली ये तैयार हो गए, बस वो मानना नहीं है ना, भी अब सारे कहेंगे कि क्या वही जोरू का गुलाम ऐसे ससुराल जाने के लिए ऐसे मर रहा है।
माल ने कुछ दिन दो और जो है ना वो मॉडर्न हो गया, अभी इतना लोग फील नहीं करते, सबको पता ससुराल डे होता है और सबने मनाना होता है। यार वो खुबानियों तो दे दो। क्या खुबानियां? खुबानियां जो लेके आई हो घर से ठंडी ठंडी वो तो दे दो। सही तो ये मैंने ये अपने बैग के अंदर रखी हुई और मतलब पहले आलू बुखारे भी मैंने साथ रख लिए थे, मैंने कहा फिर वो ये ना कह के जो तुमसे कहा था तुमने वही करना होता है, बाकी नहीं करना। ये तो बात है, कुछ ना कुछ कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। हाँ तो फिर मैंने ये भी साथ रख ली है। वाह वाह माशाल्लाह, फ्रेश फ्रेश ठंडी ठंडी और साथ में आलू बुखारा लग गए। ओ गट्टे मिक्स हुए पड़े, मैंने बैग में वैसे जिप खोल के रखा हुआ था, मैंने कहा वो अंदर से ना खराब ना हो जाए। बहुत मीठी है, सच में बहुत मीठी, बहुत मजे की। ऐसे बता रहे जैसे पहले तुम खा रहे हो। यार मीठी बहुत है ना, मैं वही बता रहा हूं। मतलब अब तो सीजन है ना मीठा। वैसे ना मैं बताऊं इस मौसम में पहले तो काफी ज्यादा सस्ती होती थी, इस दफा वही रेट है, महंगी बहुत है। गुजर लेना उसके बाद हो जाएंगे। मतलब मुझे याद है ये 15-16 को ना हमारे यहाँ ना मेला हुआ करता था और उस वक्त इतनी मतलब सस्ती हुआ करती थी ना, बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे घर में होती थी। तुम लोग मतलब मिठाई की जगह ये ले जाते थे? मिठाई की जगह मिठाई तो अलग होती थी ना, मतलब फ्रूट्स वगैरह में ये हो गया, साथ आलू बुखारे हो गए, ये बहुत वाफर मिकदार में होते थे क्योंकि ये सस्ते होते थे। अच्छा, फिर जब नहीं खत्म होती थी तो क्या करते थे आप लोग? क्या नहीं खत्म होते थे, हम बच्चे थे ना तब हमें होता, तब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खा लिया, उस वक्त होता था कि ज्यादा सारा खा लिया, बाद में जब दिल भर गया तब हम ना अंदर से बादाम वाला हिस्सा निकाल लेते थे और खुबानियाँ जो है ना बस रख देनी कि कोई खा ले तो खा ले वरना चलो जी फेंक दो। बड़े अमीर लोग आए भाई। यार बच्चे थे, बेवकूफ थे, इसमें अमीरी वाली क्या बात है। वो तो है, बच्चे जब थे ना तब की बात कर रही, अब की बात नहीं कर रही। और वो बताओ क्या कहा था घर वालों ने, जब मेरा रिश्ता लेने आए थे ना तो घर वालों ने जाके कहा था मतलब अम्मा जी ने कि ना लड़की जो है ना बहुत समझदार है और वो तुम्हें संभाल लेगी। मुझे बता रहे कि मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने मुझे कहा था वो उससे ज़्यादा समझदार है लेकिन ये मुझसे गई गुजरी है। हालांकि सबको पता है, सबको पता है कि कौन ज़्यादा समझदार है, ये तो वो जानते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे है टोल प्लाजा और यहाँ पे अक्सर हम रुकते होते हैं, जब भी हमारा यहाँ से गुजरना होता है जूस वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह यहाँ से खाते हैं। तो अभी भाई यहाँ से लेने जा रहे हैं हम आड़ू का जूस, क्योंकि यहाँ से जूस वगैरह पिए बगैर हमारा यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भाई साहब को बोला है कि कोई भाई मज़ेदार सा जूस बना के दें। ये बाकी वाले पॉइंट क्यों बंद हो गए? गर्मी यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स होते थे, यहाँ पे जूस वगैरह और शकरकंदी वगैरह मिलती थी, लेकिन भाई अब वो बंद हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। लेकिन ये भाई साहब टिके हुए हैं, चलें होना चाहिए एक आधा तो। और भाई साहब अंगूर भी आ चुके हैं, एक अंगूर चख सकता हूँ? भाई से पूछ लिया कैसा टेस्ट है इनका भाई। अभी भाई थोड़ा थोड़ा खट्टा है, फुल मीठा नहीं है। माशाल्लाह भाई मज़ेदार सा जूस आ गया है। अंदर किरण भी बैठी है, उसको भी मैंने दे दी है। हाँ जी कैसा लगा जूस? अच्छा। अभी हम घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और हमने ली है यहाँ से आइसक्रीम ली है। हाँ जी हाँ जी आइसक्रीम ली है। पहले होता था कोई मिठाई वगैरह लेते थे या कोई केक वगैरह लेते थे, तो अब सर्दी है तो ये सुबह से गर्मी है। गर्मी है सही, पागल हो गई बैठी है। हाँ तो अब गर्मी है ना तो अब वो सुबह से ठंडा ठंडा कुछ कह रहे हैं खाने के लिए, तो हमने कहा कि चलो आइसक्रीम लेके चलते हैं। अभी हम बिल्कुल घर के सामने पहुंच गए और यहीं पे रोक दें, आगे फिर खुद रख लेना गाड़ी रख लेना। नहीं बैठी है। खुशी की वजह से तो मैं उतरती हूँ, आगे फिर आप कर लें सीधे जाना। अभी तकरीबन शाम के 6 बजने वाले हैं और अब हम घर से निकले हैं। घर में दरअसल मेहमान आए हुए थे, इस वजह से हम वहाँ पे वीडियो जो है वो हमने शूट नहीं की और अब हम घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा हमने कहा कि ईद है और फिर बंदा वहाँ पे भी घर ही था, वहाँ पे भी कहीं बाहर नहीं निकले और यहाँ पे भी आके बाहर ना निकले तो फिर तो फजूल ही है। फिर बाकी मेरी बहन भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं वो भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि कभी तो हमारे साथ भी बाहर चले गया करो, तो मैंने कहा अब चलते हैं और हम चलेंगे चिड़ियाघर। चलो जी चलो जी, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, मैंने जिद कर रहे हैं फजूल, घर से खुद तैयार होते हैं यहाँ पे आके ज़बरदस्ती। तो अभी हम जाएंगे चिड़ियाघर। हम ये यहाँ का ये शेड्यूल है कि तकरीबन शाम को जब अंधेरा होने लगता है ना तो चिड़ियाघर जो है ना वो बंद हो जाता है, इसलिए अब हम 6 बजे जा रहे हैं। अभी अच्छी खासी धूप है, बाहर निकले हैं ना तो ये देखिए जैसे अच्छी खासी दोपहर होती है ना, 3-4 बजे का टाइम है, ऐसे महसूस हो रहा है हालांकि 6 बजने वाले। तो अभी जाते हैं, वहाँ पे अक्सर रश होते हैं, अब देखते हैं वहाँ पे कितना रश है क्योंकि आज गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है।
मतलब वहाँ पे हम कहते थे गर्मी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे शहर है तो शहर में वैसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है, सड़कें हबस वगैरह वो ज़्यादा फील होता है। तो अब चलते हैं तो आपके साथ बाकी जो रूटीन है वो भी शेयर करते हैं। अभी जी हम चिड़ियाघर पहुँच चुके हैं और एज यूजुअल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें इस साइड पर इतना ज़्यादा, और पता नहीं अपनी गाड़ी ना पार्क होनी, आगे भी काफ़ी ज़्यादा रश है। सीधा अभी जाए ना वो आगे जाके इसका गेट रहता है, ये सारी पार्किंग है भाई। जिस तरह से आवाम यहाँ टूट के पड़ी हुई है ना, मुझे लगता है कमालिया में ये एक ही पार्क है। आवाम ऐसे आ रही है ना जैसे सवाब का काम हो, और जोक दर जोक लाइनों में धड़ाधड़ आ रही है। अच्छा भाई पार्क में एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे फाउंटेन्स हैं, ये चलती हैं क्या? हाँ पहले चलती। ये भाई मोर का पिंजरा, दो मोर हैं, वो मोरनी होगी शायद। ये उल्टा सीन चलता है यार, मोर प्यारे होते हैं और मोरनियां वो गंजी गंजी होती हैं। दो शेर, बड़े शेर, दो वो सादा शेर है और ये बब्बर शेर है, ये काली गर्दन वाला शेर है। अरे ये सही लेटा पड़ा है, रुसया पे है। और भी यहाँ पे रीश, ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ गर्मी लगती होगी इसलिए पानी शानी पूल बना के दिया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ये कैसे रहते होंगे सारा दिन यहाँ पे, जबान उसकी निकली हुई है, मुश्किल से पड़ा है बस भाई। इन्होंने ना पार्क के नाम पे चिड़ियाघर बनाया हुआ है, है ही चिड़ियाघर। और ये पौधा चेक करो भाई, ये पौधा किस चीज़ का है? ये इसके पत्ते हैं भाई। और ये तुम्हारे घर भी लगा हुआ है, मतलब ये बड़ा होके इस तरह का लगता है यार। असल में ना वो गमला काफ़ी छोटा है, पूरी खुराक और ग्रोथ उसकी हो ही नहीं रही, इस वजह से वो छोटा ही रह गया। नहीं तो ये चेक करें भाई, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा हो जाए तो इस तरह के ऊपर पत्ते छोटे छोटे। अभी मैं भी घर जा कर ना उसको निकाल के ना बाहर लगाता हूँ, ये तो बड़ा खूबसूरत है यार। ये भाई इधर हिरन घूम रहे हैं, इनको सिर्फ ना भाई इन्होंने खुली जगह दी है, ये काफ़ी स्पेस है इनके पास घूमने फिरने के लिए। मोर ने भाई पर खिलाए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वो चेक करें दूसरा भी है, इस तरह का ना पौधा लगाना है। ये देखो इसके फूल कितने खूबसूरत लगते हैं, दरख्त। हाँ अब तो दरख्त बन गया, लेकिन फूल देखो यार बड़े, इसमें वाइट भी होते हैं, इस तरह येलो भी होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसका नाम पता नहीं क्या है, बड़ा मेरा शौक है कि इस तरह के लगाऊँ। ये बारह सिंगे हैं भाई, इनके देखें काफ़ी ऊपर सींग निकले हुए हैं, ये चेक करें। ये नील का है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई। हबस यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो इधर पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है, सारा दिन धूप रही है, तपिश से ना अब हबस निकल रही है। ये जगह स्पेस है इनके पास, वो तो रीच जो है उन्होंने पहले जकड़ा हुआ था, ये खुले फिर एक वो जा रहा है। नीचे खड़ी हो जाए। अभी जी हम चिड़ियाघर से बाहर निकल आए हैं और पता नहीं सड़क पे चली जा रहे हैं, मतलब गाड़ी जब ड्राइव किए जा रहे हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव नहीं होती उस पे हम पांच लोग निकले हैं यार। पता ही कोई नहीं हम जा सीधा। वो अभी आपको बताएं कि हमने क्या खाया। सुबह हमने अंडे से नाश्ता किया था थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हमने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर हमने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद फिर हमने विंग्स खाया, विंग्स खाने के साथ हमने पुलाव भी खाया और चिकन जलफ्रेजी भी खाई हमने ना। दरअसल आज खाया आइसक्रीम भी खाई, खीर भी खाई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या खिलाऊं इनको। नहीं हमने ना आज खाया चिकन, क्योंकि वो मतलब कल कुर्बानी से, और यहाँ पे जी इनकी स्लश आ गई, पता नहीं रफी को था सुबह से कि ना स्लश ले लेते। स्लश चेक करो, ये स्लश टेस्ट करो कैसी, ब्लूबेरी फ्लेवर है और भी काफी है, काफी सारे फ्लेवर है, काफी सारे एप्पल अनार आड़ू काफी सारे। अच्छा नहीं तो इसको बिठा लो। ये कब से मुझे कह रहा था कि ना वो स्लश लेनी, स्लश लेनी, और ये पता नहीं कहाँ। हाँ, अच्छा ले ना, ले लो। हाँ ले लो, ये तू ले लेना, कोई और फ्लेवर नहीं है, है? तो वो ले आओ, सारे डिफरेंट लेते आओ। इस रफी ने ले लिया था, बाकी चार और लेता हूँ। नहीं नहीं तीन और ले गया, हम एक भी लेंगे बाकी तीन होगा। कौन से वाला? कोई भी, अनार एप्पल आड़ू, अनार एक, अनार एक एप्पल एक आड़ू। यहाँ पे जी हमारी ड्रिंक जो है वो आ चुकी है, अब पता नहीं कौन से, एक तो अनार वाला फ्लेवर है, बच्चों वाले फ्लेवर है,
हाँ ये वो बच्चों वाला टेस्ट लग रहा है, वो बच्चे ही हैं, उन्होंने अपनी पसंद का ही लेना था, उन्होंने कौन सा क्या बड़ो वाला है ये। चलिए मैं टेस्ट करते हैं इसको। ये नहीं होता जैसे बच्चों की फ्लेवर वाली टॉफियां अमरूद वाली, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा फ्लेवर है। अच्छा भाई अभी ये मंगवाए हैं गोलगप्पे, पहले इसको करेंगे चेक, अच्छे हैं तो फिर और लेंगे। तो यार ये समझ नहीं आ रही। अच्छे हैं। बस अच्छे हैं। चलो ये खा लो, ये फ्रेश है, ये खा लो, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेते हैं, ये भी वैसे काफ़ी हैं।